जय बद्री विशाल। तो आशु फन टीवी के एक और नए मजेदार ब्लॉग में सबका स्वागत है। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। तो फिर दोस्त की शादी हो चुकी है पूरी, कल तो मतलब मजा आ गया बारात में डांस करके। और 3 दिन से हम लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं, खूब हुटिंगबाजी कर रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं, खूब सीटियाँ बजा रहे थे। मेरा गला देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस हिसाब से हम लोगों ने इंजॉय करा। अभी आज हमारा चेकआउट है, तो कल चेकआउट होने से पहले हम लोग सब गए थे ग्रूम के रूम में, दोस्त के रूम में। तो वहाँ पे हम लोग मतलब 3 दिन से जैसे पूरे फंक्शन ख़त्म हो जाते थे उसके बाद बैठते थे और खूब इंजॉय करते थे, खूब गप्पें शप्पें, खूब मौज मस्ती होती थी। फिर उसके बाद आराम से सुबह सोते थे हम लोग 4 बजे। तो 3 दिन खूब मजा आया ना तेज भाई, फुल ऑन गले देखो बैठे पड़े हैं बिल्कुल आवाज़ गायब है। तो कल फिर हम अभी के रूम में गए थे, तो वहाँ के कुछ मेमोरीज हैं वो देख लीजिए आप। फिर उसके बाद हम लोग भी चेकआउट करते हैं थोड़ी देर में। तो बाबा धन्यवाद भाई जी, ये देखो सबके गिफ्ट हैम्पर मिल रहे हैं। तो फाइनली भाई की हो चुकी है शादी, बहुत मजा आई। मैंने कांग्रेचुलेशन, थैंक यू ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप लोग आए, सब मेरे दोस्त आए, जो मजे किए, जो बारात में नाचा है, संगीत में नाचा है, मजे आ गए, राजस्थानी नाइट हर जगह। और बाकी एक और स्पेशल चीज़ बता देता हूँ, वो मैं क्या कहते हैं वो व्लॉग में कवर नहीं कर पाया। तो हम लोग जब हमारे क्या बोलते हैं सारे फंक्शन हो जाते थे उसके बाद एक स्पेशल हम लोग फन करते थे, तो वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं होता था बस, बट वो मेमोरी हमेशा माइंड में रही है, बिल्कुल रही। तो हम लोगों की शुरुआत हुई थी दोस्ती की अपनी हुई है रन ऑफ कच्च में। हम एक टेंट शेयर करते थे, एकदम दिल वाले बंदे थे आशु भाई, कुछ भी कह दो कुछ भी कर लो भाई, तब से एकदम दोस्ती पक्की बनी रही। एक दो महीने रहे थे हम लोग साथ में, बट तब से बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था। और अभिदय भाई से तो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ लर्निंग मिलती थी कैसे काम रहना, और हमेशा इतने स्ट्रेस में भी हमेशा स्माइल करते रहते हैं, मजा आ गया। और बाकी मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि इतने सारे फ्रेंड्स आ रखे किसी की शादी में, नहीं तो क्या करते थे मतलब बोलता तो हर कोई आ जाएगा बट गोली दे देते सब, बट यहाँ सब लोग आए तो सब ने एंजॉय किया और सारे कितने प्यारे लोग, एकदम मजेदार भाई, सबने बहुत अच्छा लगा। तो अब थोड़ा हम रिलैक्स करते हैं, बहुत बहुत बधाई आपको, है ना, और जल्दी मुलाकात होगी बस। बिल्कुल, अब उत्तराखंड घूमना है मेरे को, आना है भाई आपके घर आना चाहता हूँ। जो वीडियो व्लॉग देखता हूँ बहुत अच्छा रहती है भाई, कभी आप कुछ खा रहे हो कभी कुछ खा रहे हो, आऊंगा जरूर। हाँ बिल्कुल, अभी हम चलेंगे पक्का, डन। तो फिर आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस हिसाब से मतलब वहाँ पे माहौल बना रहता था अभी के रूम में, ज़्यादा तो मैंने दिखाई नहीं। और अभी ने हमें मतलब जाते वक्त क्या कहते हैं हैम्पर भी दिया है, बड़ा खूबसूरत हैम्पर है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो जब घर जाऊँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या क्या मिला है उसमें, ताकि अगर कोई मतलब प्रिपेयर कर रहा है क्या क्या दे सकते हैं हैम्पर में तो वहाँ से भी देख सकता है। तो फिर अब हम करते हैं चेकआउट और यहाँ से चलते हैं हम लोग। अभी हम रनकपुर राजस्थान में, यहाँ से हम जाएंगे फलना, फलना हमारी ट्रेन है 4:30 की, और फिर हम लोग कल सुबह पहुँचेंगे गाजियाबाद, पूरी फैमिली से मिलते हैं और उसके बाद उनको बाय बाय कह के हम लोग निकलते हैं गाजियाबाद। तो इधर हैं दूल्हे राजा के पापा जी, बहुत बहुत बधाई अंकल जी आपको, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। स्टार्टिंग में तो आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाए, बट लास्ट व्लॉग है तो बहुत मजा आया हम लोगों को, तो मजा आ गया बिल्कुल, मजा आया आप लोग के साथ। आपको परेशान कर दिया, बारात नहीं जाने दी। मजा आ गया गिफ्ट देख के, तो थैंक यू सो मच। अभी बहुत जल्दी आएंगे हम लोग बीकानेर, बीकानेर आना ही है, धमाल करना है, आ जाओ। हाँ जी, बाकी आप भी कभी दिल्ली उत्तराखंड आओ तो मोस्ट वेलकम, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और बाकी इधर चल रहा है लंच बढ़िया से, तीसरी बार बोला तीसरा लंच फिर से, हर अभी मैंने पहले नहीं लिया था ना, तो इधर अभी देख की मम्मी है, दूल्हे की मम्मी, आपको लास्ट में इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, अभी आपके पास सारी वीडियोस आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। साइड है अभी देख के, बड़े भैया बड़े स्वीट है। तो इधर है दूल्हे की भतीजी है, चाची आ गई, अब चाची यतिका का पहला व्लॉग है ये। हेलो यतिका, हाई फाई कर दो यतिका, हाई फाई कर दो, ये कर दो यतिका, बहुत बहुत बधाई हो, जल्दी आएंगे हम लोग बीकानेर, और आप भी आना उत्तराखंड दिल्ली, तो थैंक यू, थैंक यू।
तो फाइनली रनकपुर से हम लोग पहुंच चुके हैं फलना रेलवे स्टेशन, और यहां से हमारी ट्रेन है दिल्ली के लिए। बट एक चीज़ हो गया गड़बड़ फिर से। तो इस बार क्या हुआ था कि हमारी जो मतलब ट्रेन टिकट्स थी वो वेटिंग में थी, और वेटिंग एसी टाई टू की करवाई थी, बट वेटिंग भी 3 और 4 चल रही थी, और हमें लगा कि क्लियर हो ही जाएगी क्योंकि 2 महीने पहले हम लोगों ने ट्रेन टिकट बुक करवा दी थी। बट आज जब मैसेज आया तो हम लोग शॉक हो गए, ट्रेन टिकट किसी की कन्फर्म नहीं हुई दोनों में से। बट अभी मेरे जो बहजी है वो रेलवे में टीटी हैं, तो अब उन्होंने बोला कि जब वहाँ पे टीटी चढ़ जाएंगे तो मेरी बात करवा देना, तो हम लोग शायद चार्जेस देंगे टीटी को जो भी एसी टायर 3 के होंगे, एंड देन देखते हैं अभी हमें सीट मिलती है कि नहीं मिलती। और प्लस एक और चीज़ है कि पूरा रात का सफ़र है, मतलब सुबह 6 बजे पहुँचाएगी ट्रेन एज़ पर द टाइमिंग, बट सर्दियों का टाइम है तो मुझे लग रहा है थोड़ा लेट भी होगी ट्रेन। तो अभी पहले देखते हैं पहले सीट मिल जाए ताकि हम लोग थके हुए कमर तो अपनी सही से टिका पाए। वैसे तो हमारे साथ और भी लोग हैं उनके साथ बैठ के जाएंगे, बट अपनी सीट मिल जाएगी तो फिर रात को एटलीस्ट सो जाएंगे हम थोड़ा आराम से, और थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा हमें। तो अभी देखते हैं क्या होता है। वेरी गुड, क्या नाम है आपका? क्या हो आप? मारवाड़ी ना? मारवाड़ी हो? मारवाड़ी है। स्कूल रहता है? घर पे। कौन सी सिटी में? बाय तो कर दो ना, कैमरा पे बाय कर दो। हाँ बाय 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 बाय। हाँ उसको भी बोलो भाई। हाँ भैया को मम्मी। तो फिर हम लोग बैठ चुके थे ट्रेन में और टिकट ले लिए अभी हम लोगों ने टीटी से, डबल पैसे दे, और खाने का भी टाइम हो चुका है। अभी हम लोग खा रहे हैं जो हमने ब्रेकफास्ट में करा था, पूड़ी। सब्जी बता दो भाई। सब्जी है ये स्पेशल आलू की सब्जी है जो कि इन सब जर्नीज के लिए यूज होती है। गला मेरा बहुत खराब है और आवाज भी सब कहीं खराब है। हाँ इधर फैमिली, इधर भाई है, उनकी पूरी फैमिली है, मारवाड़ी फैमिली। ये राजस्थान स्पेशल कैरिया सांगरी का अचार, वेरी डिलीशियस। हाँ बहुत टेस्टी है। तो फिर अब हम लोग डिनर करते हैं। डिलीशियस हो ना हो खाने को, यही है अब तो। सही बात है। चलो तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर गाजियाबाद। मतलब मैं अपने घर पहुंच चुका हूँ, तेजस अपने घर पहुंच चुका है। जिन फैमिली लोगों के साथ हम लोग आए थे वो लोग दिल्ली में उतर गए थे, हम लोग गाजियाबाद में उतरे। तो थोड़ा ट्रेन में हमारे साथ गड़बड़ सीन हो गया। एक तो हमारे पास टिकट था नहीं, तो फिर जो मेरे भैया हैं टीटी, तो उनसे बात कराई मैंने जो टीटी थे, तो फिर वो माने नहीं। मतलब माने क्या, हम लोगों ने बोला था कि आप टिकट दे दो और टिकट ले लो है ना, और क्या बोलते हैं अगर कोई सीट्स है तो वो दे दो हमें, ताकि इतना लंबा सफ़र है 12-14 घंटे का, तो एटलीस्ट हम लोग थोड़ा रिलैक्स कर पाएँ, थोड़ा मतलब सो हो जाए। बट क्या हुआ कि उन्होंने मतलब पेनल्टी भी लगाई, मतलब 1000 रुपये की टिकट थी तो 2000 रुपये लिए उन्होंने पर हेड अराउंड दोनों से, मतलब 4000 रुपये लिए, और सीट भी नहीं दी। सीट थी बट पता नहीं क्या इशू था उनका, उन्होंने सीट भी नहीं दी, और फिर बहुत दिक्कत हुई। मतलब लास्ट में हमें जयपुर से मिली सीट, जयपुर या जयपुर के बाद से कोई एक और जगह वहाँ से मिली सीट, तो तब 2-3 घंटा आराम करके हम लोग पहुँचे। तो कोई बात नहीं, अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, घर पहुँच चुका हूँ। और जो इधर गिफ्ट हैम्पर है तो उसमें मैं बता देता हूँ आप लोगों को, क्यूरियोसिटी होगी कि क्या है इसके अंदर, तो दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या क्या दिया है। बड़े मतलब बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स दिए हैं खाने के लिए, और ये सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो जो मेरा फ्रेंड है वो मारवाड़ी जैन है, तो वो भगवान महावीर की पूजा करते हैं, आई थिंक सबसे लास्ट अवतार है, मतलब सबसे पहले भगवान आदिनाथ थे, अगर मैं गलत हूँ तो माफ़ करना मारवाड़ी फैमिलीज, और आई थिंक जो अभी सबसे लास्ट में है भगवान महावीर है, तो उन्होंने उनका सिंबल दिया है। और जहाँ पे हम लोग गए थे जैन मंदिर में उसकी एक फ़ोटो भी है, वो दिखा। तो सबसे पहले तो ये भगवान महावीर का सिक्का है, मेरा दोस्त मारवाड़ी जैन है तो वो मतलब भगवान महावीर को मानते हैं, और इधर जो जैन टेम्पल है तो ये भी दिया उन्होंने। सबसे बेस्ट जब अभी हमें पहले मिला था तो अपने मतलब जो शॉक्स थे उसमें उसका नाम लिखा हुआ था, हम बड़े शॉक हो गए, मैंने कही कहाँ से लाए प्रिंटेड शॉक। तो ये 1 डजन शॉक्स हैं, पूरे साल भर के काम आएंगे। बाकी इधर कुछ और मिठाई हैं,
लाइक बीकानेर से हैं वो तो बीकानेरी भुजिया, बाकी ये खाकरा और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें स्वीट्स कुछ हमने खा भी लिए थे। और सबसे प्यारा ये बॉक्स लगा मुझे, ऐसे लग रहा कोई बुक होगी, बिल्कुल इतना स्वीट्स है। और ये देखो इसमें बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ दी हैं उन्होंने, ये देखो, अरे वाह मज़ा आ गया। तो फिर आप लोगों ने देख लिया होगा, क्यूरियोसिटी होगी होगी ख़त्म। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, बड़ी अच्छी लगी होगी शादी की सीरीज, हमारा तो बिल्कुल दिल खुश हो गया था, बहुत मज़े करे वहाँ पे। आते आते गला बिल्कुल बैठ गया था, जितनी एनर्जी थी उतनी लगा दी वहाँ पे। और आते वक्त बड़ा अजीब सा लगता है ना, किसी भी वेडिंग से आओ तो पहले क्या चमक दमक रहती, आते वक्त थोड़ा अकेले अकेले आ जाते तो सुनापन से लगता है, बट बहुत मज़े करे हमें। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने भी बहुत मज़े करे होंगे ब्लॉग के थ्रू, और आप लोगों ने भी देखी होगी प्रॉपर एक मारवाड़ी वेडिंग। तो बेस्ट विशेस अभिद है और उनकी जो वाइफ है उनको, अनुजा को, सॉरी नाम मैं भूल गया था। और बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन टू होल फैमिली, और हम लोग फिर से मिलेंगे। तो आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, शेयर करना, एंड जो भी चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक जय बद्री विशाल, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।